हेलो एवरीवन, आई एम हेयर विथ अनदर ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसे फॉर्मूलेस कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से ही आए हैं बट हम डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिजल्ट ऐसे हैं जिनका हम यूज़ कर पाए सो so,

एंड एच इज द मैक्सिमम हाइट अचीव बाई एनी प्रोजेक्टाइल किसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो मैक्सिम हाइट अचीव किया जाता है डेट इज एच तो इन दोनों के बीच में हमारे पास एक अच्छा सा रिलेशन है डेट इज फोर एच इज इक्वल टू आर टैन थीटा आर टैन थीटा अभी हम क्या करेंगे इस रिलेशन को यूज करके अपने क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर पाएंगे लेटर सपोज कि हमको प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया हमको हॉर्जेंटल रेंज दे दिया हमको एंगल दे दिया और हमसे पूछे मैक्सिमम हाइट बताओ तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए आदर हम फॉर्मुला पे भी जा सकते हैं ठीक है मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए आदर हम फॉर्मुला पे जा सकते हैं और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं दूसरा काम हम कर सकते हैं कि इस रिलेशन को याद रखें और याद करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें ठीक है फाइंड करने के लिए हमने एक और रिलेशन का भी यूज किया है डेट इज यूएस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी है ना टू जी यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं एच का वैल्यू लेकिन मान लेते हैं हमको ना ही ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हमको बस एंगल दिया है और हॉर्जेंटल रेंज पता है हॉर्जेंटल रेंज पता है या फिर कई बार हमको हॉर्जेंटल रेंज भी नहीं पता होता तो वो भी फाइंड कर लेते हैं उसका भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था यू एस स्क्वायर साइन थीटा यू एस स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी यू एसवायर साइन टू थीटा बाई जी है ना तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं हम रेंज को भी फाइंड कर सकते हैं हम रेंज को फाइंड कर सकते हैं और लेटस्ट सपोज कि हमारे पास रेंज है है ना रेंज है ठीक है रेंज हम लोगों को पता है ठीक है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं उस केस में हम एच के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी और रेंज फाइंड करना है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी ठीक है अगर आपको मैक्सिमम हाइट दिया तो आप यहां से डायरेक्ट रेंज को भी फाइंड कर सकते हो तो ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आते हैं लेटस डिस्कस अबाउट लेटस डिस्कस अबाउट वेन रेंज इज मैक्सीम जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो रेंज मैक्सिमम कब होगा रेंज मैक्सिमम कब होगा है ना कब होगा जैसे हमने यहां से प्रोजेक्टाइल किया आखिर हम कैसे फेंकें कि ये जो हॉर्जेंटल रेंज है वो ज़्यादा हो पाए तो देखिए जब एंगल जब एंगल जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तब रेंज का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा रेंज का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा 45 डिग्री एंगल पर ठीक है। जैसे मान लो हमने प्रोजेक्शन किया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास आया थीटा इज़ डिग्री, तो कैसे बोल सकते हैं to, हमारे पास है, US sin 2 G. ना? तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं यू स्क्वायर साइन टू थी इंटू फोर्टी फाइव यानी साइन नाइन साइन नाइन अपॉन जी अब साइन नाइनटी का वैल्यू वन यानी कि यहां पर रेंज जो आया जी दिस इज आवर मैक्सिमम रेंज दिस इज आवर मैक्सिमम रेंज तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम रेंज का वैल्यू होता है यूएस स्क्वायर बाई जी यू एस स्क्वायर बाई जी इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम रेंज को फाइंड कर सकते हैं तो so, यह दोनों रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रोसीड uh, करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट इज की जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो मतलब मतलब कि लेटर सपोज हमने ऐसे प्रोजेक्शन किया एक प्रोजेक्शन हमने ऐसे की और दूसरा प्रोजेक्शन हमने ऐसे किया ठीक है दो अलग अलग एंगल से हमने प्रोजेक्शन किया लेटे सपोज ये एंगल हमारे पास क्या है ये एंगल लेटर सपोज हमारे पास ठीटा है ये एंगल हमारे पास क्या है थीटा है तो अदर हम एंगल को क्या बोल सकते हैं हम अदर एंगल अगर लेना चाहें दिस ठीक है दिस तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के टोटल नाइन्टी डिग्री तो ये वाला एंगल माइनस ठीक है नाइन्टी माइनस ठीटा नाइन्टी माइनस नाइन्टी माइनसा थीटा, थीटा, थीटा अगर ये थीटा है और ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाए मीनस ये वाला जो एंगल है वो नाइन्टी थीटा टोटल एंगल नाइनटी तो ये नाइन्टी माइनस तो अगर इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना करके रेंज जा रहा हो तो वहां कैसे फाइंड करते हैं इस चीज के बारे में तो बोलेंगे रेंज इज सेम रेंज इज सेम फोर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फोर टू कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है तो वहां पर जो हमारा रेंज का वैल्यू होगा वो क्या होगा सेम होगा जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं डेट इज़ थीटा एंड नाइन्टी माइनस थीटा थीठा एंड नाइन्टी माइनस ठीटा देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया जाए जैसे लेटर सपोज दिस इज आवर प्रोजेक्ट आइल यहाँ हम एक प्रोजेक्टाइल ऐसे किए दूसरा एक और प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे कर दी लेटे सपोज दिस एंगल वी हैव थर्टी डिग्री तो बाकी का ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया ये हो गया सिक्सटी डिग्री ये एंगल क्या हो गया ये एंगल हो गया सिक्सटी डिग्री अब लेटर सपोज कि हम बोले इस प्रोजेक्ट आई को करने के लिए टाइम टी टू लग रहा है इस प्रोजेक्ट आई को करने के लिए टाइम टी वन लग रहा है ये लेटर सपोज हमारे पास एच वन हाइट है मैक्सिमम हाइट और ये ऊपर वाले प्रोजेक्ट आईल का लेटर सपोज ये एच टू हाइट है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो एंगल यहाँ बनेगा एंगल बन रहा है थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री तो दीज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहे एंगल बने ट्वेंटी डिग्री और सेवेंटी डिग्री चाहे एंगल बने फिफ्टीन डिग्री सेवेंटी फाइव डिग्री तो इन दोनों के केस में इन दोनों के केस में जो रेंज आएगा रेंज का वैल्यू सेम होगा रेंज का वैल्यू सेम होगा यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं रेंज एट इज़ इक्वल्स टू रेंज एट नाइन्टी माइनस जितना एंगल पर होगा जितना रेंज थीटा एंगल पर होगा उतना ही रेंज थीटा एंगल पर ही भी होगा पर भी होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं यहां पर बोला एच वन और एच टू ये दो वैल्यूज

एच वन किसके लिए है जब एंगल थर्टी डिग्री है एच टू किसके लिए है जब एंगल डिग्री है तो हम यहां से बोल सकते हैं H1 H2 tan tan और इन दोनों का रेशियो जो होगा एच वन बाई एच टू ये क्या होगा टेन स्क्वायर थर्टी के इक्वल होगा की तरफ अगर हम नेक्स्ट रिलेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हम बोल सकते हैं टी वन इन टू टी टू इज इक्वल्स टू टू आर बाई जी इसके बारे में कल चर्चा भी हम लोगों ने किया है अगर आपने नहीं देखा तो आप इसी के प्ले लिस्ट में जाकर के आप इसके प्रीवियस वाले लेक्चर को देख सकते हैं वहां पर मैंने बात किया है कि टी वन क्या है टाइम ऑफ एसेंट टी टू क्या है टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ लाइट इसी को हम लोग टू आर बाई जी भी बोल सकते हैं ठीक है टी आर टू आर बाई जी भी बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली सम का बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर बेसिकली हम सम का बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे प्रोडक्ट का हम बात करेंगे प्रोडक्ट का ठीक है तो टी वन इन टू टी टू इज इक्वल्स टू टू आर बाई जी

ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ध्यान दीजिए हमने ट्रेजेक्ट्री किसको बोला है हमने बात किया था कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं जब ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसके दौरान ये जो कर्व पाथ कोई भी बॉडी यहां पर कर्व पाथ जो बनाता है इस तरीके से जाता है और जाने के बाद कर्व पाथ का फॉर्मेशन करता है इस कर्व पाथ को हम लोग बोलते हैं इस कर्व पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री है, अब जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है इक्वेशन ऑफ पैरा बोला होता है इक्वेशन ऑफ फाइबर बोला होता है उसी तरीके से हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी होता है तो सबसे पहले हम बात कर ले ट्रेजेक्ट्री होता क्या है होता क्या है तो हम बोलेंगे हम बोलेंगे द पाथ द पाथ फॉलोड द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल द द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल हम यहां पर बोल सकते हैं क्या यहां हमारे लिए वो प्रोजेक्टाइल है हम प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं जो पार्टिकल होता है वो हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं या द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी इट्स कंप्लीट जर्नी और वी कैन से डेट ड्यूरिंग इट्स मोशन ड्यूरिंग इट्स मोशन दिस पाथ इज कॉल्ड दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री इसी पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री इसी पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री अब यहाँ अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हमें यहाँ बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ध्यान दीजिए अब हम आगे चर्चा करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा इसमें टाइम का टर्म्स नहीं आएगा टाइम का टर्म्स नहीं आएगा तो एक बात नोट करके ध्यान में रखना है कि इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री जो आएगा मस्ट नॉट इंक्लूड आगे चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं होगा बट यहां पर यह चीज नोट कर लेते हैं मस्ट नॉट इंक्लूड मस्ट नॉट इंक्लूड इंक्लूड द टर्म्स ऑफ इंक्लूड्स द टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ टाइम इसमें टी का वैल्यू नहीं होगा ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जहां टी नहीं हो तो इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री क्या आता है वो हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा

ठीक है तो बस आपको याद रखना है कि क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेट्री होता क्या है अगर आया इस पर सवाल तो यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ठीक है जो हमको पूछा जाए वो चीज हम फाइंड कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेट्री एंड सम रिलेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां आगे हम प्रोजेक्टाइल के ऊपर बात करेंगे कि कुछ हाइट से जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं तब क्या होगा ये जितना भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ये ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे हैं कि ग्राउंड पे खड़े होकर के किसी चीज को फेंकेंगे और वो वापस ग्राउंड पर ही आएगा सो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किसी हाइट से भी तो हो सकता है है ना जैसे मान लेते हैं ये बिल्डिंग का हाइट है हमारे पास यहाँ पर खड़े होकर के और हमने क्या किया यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका तब उसके साथ क्या होगा यहाँ भी दो केस देखेंगे एक सीधे फेंक दिया और एक किसी एंगल पर फेंका तो क्या होगा ठीक है तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक इस चीज को पढ़ते रहिए है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में